एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी। दिस इज आरती मिश्रा। आज के लेसन में हम आर्य शर्मा का चैप्टर नंबर 6 द लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड कवर करेंगे। मैं हूँ आरती मिश्रा। मेरे इंट्रोडक्शन आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। आज की जो लेसन है इसमें हम बेसिकली इंडियन लैंग्वेजेस को देखेंगे कि इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, और बेसिकली ये जो लेसन है पर्टिकुलरली इसमें हम इंडो आर्यन ग्रुप जो है इसे देखेंगे। अब जो ये इंडो आर्यन ग्रुप है इसके तीन डिवीजन है, ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, मिडल इंडो आर्यन ग्रुप एंड मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। तो इन तीनों को ही आज के लेसन में हम कवर करेंगे और समझेंगे कि ये लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुए और इसके बीच का ये क्लासिफिकेशन क्यों है, कहाँ से ये आया एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके अलावा अगर आपको ये कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं तो आप एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री विद आर्ट एंड कल्चर कवर कर सकते हैं मेरे कोर्स में, जिसका नाम है फ्रॉम हड़प्पा टू रिवोल्ट ऑफ 1857। इस कोर्स में हम पूरा देखेंगे कि जो क्राउन रूल था जब ब्रिटिशर्स आए वहां तक की जो हमारी हिस्ट्री है इंडिया की वो हम कवर करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के साथ। तो आपका आर्ट एंड कल्चर इसमें साथ साथ कवर हो रहा है और ये रात का बैच है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या अगर आप किसी भी तरह से पूरे दिन भर एंगेज रहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 30 जुलाई को शुरू होगा। इस कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो आपको कहीं से कोई नोट्स बनाने की या कुछ भी करने की टेंशन नहीं लेनी है। और हर एक जो टॉपिक होगा इसमें, मैं आपको बता दूं कि ये डिटेल्ड कवरेज के साथ है, हर एक चीज को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि वो किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको हेल्प करे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो लैंग्वेजेस है ये क्या है और इसका मेन क्लासिफिकेशन क्या है। तो इंडिया क्या है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं। अगर हम देखें गैरिसन के अकॉर्डिंग, तो गैरिसन कहते हैं, ये गैरिसन पहले कौन थे पहले ये समझिए। गैरिसन एक एडिटर थे द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो हुआ था, इसी को कंपाइल करने का, एडिटिंग करने का जो काम था ये इन्होंने किया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि 180 भाषाएं हैं भारत में और 550 ठीक है बोलियां हैं। ठीक है, 550 बोलियां हैं। अब ये जो बोलियां हैं, बोली और भाषा में क्या डिफरेंस होता है? भाषा तो हो गया कि जैसे मैं अभी हिंदी भाषा में आपसे बात कर रही हूँ तो ये भाषा हो गई, लेकिन बोली जो होती है लोकली एक भाषा का बोलने का तरीका होता है, इसी को हम बोली कह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हिंदी भाषा है तो वो हिंदी एक भाषा हो गई। अब इसमें बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे कि खड़ी बोली है। ठीक है, तो बोली है कि जो कि एक लोकली, हो सकता है किसी एक राज्य में चलती हो, किसी एक लोकल एरिया में, रीजन में चलती हो, तो वो रीजन स्पेसिफिक हो जाता है। अब इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, अगर इसे हमें समझना है तो ये जरूरी है कि हम इसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके इसकी क्लासिफिकेशन को समझे और तब हम इसको देखें कि ये कैसे दूसरे ग्रुप से या दूसरी फैमिली से अलग है। ठीक है, तो चार इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं हमारे इंडियन लैंग्वेजेस के। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन, द्रविडियन और इंडो आर्यन। ठीक है, ये चार हैं। तो इंडियन लैंग्वेजेस को अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे, चार ग्रुप्स तो ये हमने देख लिए और बाकी इनके अंदर भी बहुत सारे मेजर सब ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंडो आर्यन की बात करेंगे, फिर हम द्रविडियन ग्रुप, सिनो द्रविडियन ग्रुप, नेगराइट, ऑस्ट्रिक और अदर्स सभी को कवर करेंगे। तो इंडो आर्यन ग्रुप से शुरू करते हैं। पहला है ये हमारा, पहला हमारा ये फैमिली है। अब ये जो ब्रांच है ये एक और भी, इससे भी बड़ी ब्रांच का एक हिस्सा है। वो जो बड़ी वाली ब्रांच है वो है इंडो यूरोपियन फैमिली। इंडो यूरोपियन फैमिली का ये हिस्सा है इंडो आर्यन ग्रुप। अब इंडो यूरोपियन फैमिली जो है ये इंडिया में आई कैसे? इंडिया में ये आई आर्यंस के साथ। जब आर्यंस आए थे तो वो अपने साथ एक नया कल्चर, एक सुपीरियर कल्चर लेकर के आए थे। अब ये जो कल्चर वो लेकर के आए तो यहाँ पे उनकी जो लैंग्वेज है वो भी वो लेकर के आए और यहाँ पे इंडिया के लोगों के साथ वो मिक्स होने लगी। कुछ इस तरीके से उनके संबंध हमारे देश में बने कि आज 74% लोग जो है इंडिया के वो इसी भाषा को बोलते हैं, इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये जो लैंग्वेजेस हैं इसको अगेन आप सब डिवाइड कर सकते हैं तीन हिस्सों में, तीन ग्रुप्स में। ठीक है, ये जो तीन ग्रुप है ये इसके टाइम पीरियड और इनके ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है। तो पहला ग्रुप है हमारा ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप। ये जो ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप है ये ग्रुप डेवलप हुआ था अराउंड 1500 BC,
और संस्कृत इसी में से निकल के आया है। संस्कृत का जो डेवलपमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे सभी भाषाओं की जननी कहते हैं हम। संस्कृत ग्रामर की शुरुआत की थी पाणिनि ने 400 BC में। इन्होंने अपनी किताब अष्टाध्यायी में इसके बारे में बात की थी, और संस्कृत ग्रामर की ये सबसे पुरानी किताब है, अष्टाध्यायी ये किताब है पाणिनि की। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि महायान जो टेक्स्ट है और जो अश्वघोष का बुद्ध चरित है ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। संस्कृत के सबसे पुराने जो यूजेस हैं वो हमें मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस से। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये रुद्रदमन के हैं, जूनागढ़ में हमें ये मिले हैं, और ये जो सदर्न गुजरात वाला रीजन है वहाँ पे ये है। तो यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन से देखने को पता चला कि बहुत पुराने समय से संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है भारत में हो रहा था, और इस प्रयोग को और ज्यादा तवज्जो दी गई गुप्ता पीरियड में। गुप्ता काल में संस्कृत पोएम्स का और संस्कृत लिटरेचर का वर्चस्व बढ़ने लगा। टोटली अगर हम कहें तो प्योर लिटरेचर का ये एक टाइम था, और यहाँ पे बहुत सारे महाकाव्य एपिक्स हैं और खंड काव्य, यानी कि खंड काव्य मतलब सेमी एपिक्स, ये सब लिखे जा रहे थे संस्कृत भाषा में। तो ये डेवलपमेंट था संस्कृत का। तो ये था हमारा ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में आ गया। अब इसके बाद आता है हमारा मिडल इंडो आर्यन ग्रुप। यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज का विकास हुआ बिटवीन 600 BC to 1000 AD। यहाँ पे डेवलपमेंट होता है प्राकृत लैंग्वेज का, और प्राकृत का मतलब आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि नेचुरल हो गया, ओरिजिनल, कैजुअल, ठीक है, प्राकृत। अब ये जो भाषा है इसे आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा इसके स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है जैसे कि संस्कृत के होते हैं। कॉमन लोगों के लिए बोलना समझना इसे बहुत आसान था, और कॉमन लोग प्राकृत का ही ज्यादा यूज करते थे। अब मिडल इंडो आर्यन ग्रुप में ये जो लैंग्वेज है इसमें हम बहुत सारी और भी भाषाएं हैं जो कि यहाँ से निकल के आएंगी, जैसे कि अर्धमगधी, पाली और अपभ्रंश। ये जो भाषाएं हैं ये भी यहीं से निकल के आ रही हैं, मिडल इंडो आर्यन ग्रुप से। इसके बाद प्राकृत जो है ये कह सकते हैं आप कि यही मेन एक लैंग्वेज है जो ओरिजिन था। इसी के बाद जो है आगे और दूसरी भाषाएं टूट करके निकलने लगी। अब प्राकृत क्या है, कॉमन पीपल से एसोसिएटेड है, उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। और संस्कृत क्या है, वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स था, यानी कि जो एलाइट लोग हैं वही बोलते थे, और ब्राह्मणों के बीच में ज्यादा इसका प्रयोग था। महिलाएं हैं या जो शूद्रास थे वो संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। तो अब इसके क्योंकि रूल्स भी बहुत ज्यादा फिक्स होते हैं संस्कृत भाषा के, तो ये जरूरी नहीं था कि हर किसी को समझ में आ जाए। तो जो लोग पढ़े लिखे थे, जो लर्न पीपल थे एलाइट से, स्पेशली ब्राह्मण वगैरह, वो ही संस्कृत का यूज करते थे, बाकी सभी प्राकृत का ही यूज करते थे। अब प्राकृत में क्या क्या आता है ये समझ लेते हैं। पाली है, मगधी प्राकृत है, अर्धमगधी है, बुद्ध और महावीरा के जो हम उनकी टीचिंग देखते हैं वो ज्यादातर अर्धमगधी में हमें मिलती है, और उनका पाली लैंग्वेज का यूज जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा किया, इसीलिए वो कॉमन लोगों के दिल को छू पाए। और ये भी माना जाता है कि कई सारे महाजनपदों में और मौर्यन डायनेस्टी में भी ये जो लैंग्वेजेस हैं इन्हें कोर्ट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लैंग्वेजेस थी। तो ये हमारा मिडल इंडो आर्यन ग्रुप हो गया, और उसकी ये सारी लैंग्वेजेस हो गई। अब हमारा आता है मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये हमारा मॉडर्न है, जो कि भाषाएं आज हम सुनते हैं बोलते हैं, जैसे कि हिंदी है, एसमीज, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उड़िया, उर्दू, ये सारे जो भाषाएं हैं ये सभी इसी ग्रुप में आती हैं, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप में आती हैं। अब ये जो लैंग्वेजेस हैं इसका डेवलपमेंट हुआ आफ्टर 1000 AD, और ये लैंग्वेजेस जो नॉर्थ, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री का वहाँ बोली जाती हैं इस हिस्से में। अब ये तो हो गया हमारा नॉर्थ इंडिया। अब जो हमारा साउथ इंडिया है वहां पे द्रविड़ियन लैंग्वेज का प्रचलन है, द्रविड़ियन फैमिली है, वो फैमिली भी हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। इस अगर टॉपिक को लेकर के अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी प्लस कोर्सेज के जो डेमो और कोर्स स्ट्रक्चर है जरूर आप चेक कीजिए, आपको उससे बहुत अच्छा एक आइडिया लगेगा कि आपको कैसे एक सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रोफेशनल डायरेक्शन की जरूरत है, अगर आपको फील होता है कि आपको नोट्स की जरूरत है और एक सही डायरेक्शन में आपको तैयारी करनी है, तो आपको अगर पसंद है तो आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज इसका डेमो और कोर्स स्ट्रक्चर आप जरूर चेक करें, आपको फील होगा कि इससे आपको